नमस्ते दोस्तों, तो क्या हाल है। तो किलर फ्री फायर छोड़ने वाला है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि किलर फ्री फायर छोड़ने वाला है तो फ्री फायर स्पोर्ट्स के न्यूज वालों क्या करते हो यार, ऑडियंस तक आपकी न्यूज नहीं पहुंच रही है। कुछ दिन पहले जोंटी भाई भी कह रहे थे और किलर ने भी अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस में लिखा था कि FFIC जो कि कुछ हफ्ते बाद अभी आने वाला है उसका लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है। और फन फैक्ट, ये मुझे फ्री फायर स्पोर्ट्स के न्यूज चैनल से पता चला और ये भी पता चला कि किलर का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो वो पढ़ने जा रहा है। पर अपना चैनल तो न्यूज का कैटेगरी का नहीं है तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई। अब ये बात सुन के मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। कौन बात? अरे यही बात कि किलर गेम छोड़ के जा रहा है। अब क्यों? इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किलर ने एक चीज प्रूव कर दिया कि सबसे पहले अपना स्टडीज या एजुकेशन को प्रेफरेंस देना चाहिए, गेम या कोई भी चीज को सेकंड प्रेफरेंस में रखना चाहिए। इसलिए उधर स्काईलॉर्ड भी बोलते आए हैं कि अपना एजुकेशन पहले कम्प्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही गेम में आना चाहिए। क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि प्रोफेशनल गेमर या स्पोर्ट प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत टाइम देना होगा। और आपको तो पता ही होगा कि किलर अभी जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक फ्री फायर के नॉर्मल प्लेयर को कितना टाइम लगेगा। वैसे कितना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 1.5 या 2 साल तब भी कंफर्म नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच ही जाओगे जहां पर अभी किलर है। और किलर का यूट्यूब चैनल भी मस्त चलता है, मींस अच्छे सब्सक्राइबर्स और व्यूज भी आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के तो चैनल 2-3 महीने में ही ग्रो हो गए। तो उनसे बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वो सारे स्पोर्ट्स प्लेयर जिसके यूट्यूब चैनल एकदम से ग्रो हो गए वो या तो टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स से खेलते हैं या उसमें न्यू ज्वाइन हुए हैं। लेकिन टोटल गेमिंग स्पोर्ट में घुसने के लिए भी तो आपको टैलेंट और स्किल दिखाना होगा, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस जो कि 1-2 महीने में नहीं होने वाली। तो टीम इलाइट मींस ओजी इलाइट भी एक कंसिस्टेंट टीम है, वो अलग बात है इस बार वो फाइनल में नहीं जा पाई। तो आखिर इतना फेम और पैसा कमाने के बावजूद किलर आखिरकार गेम छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो अभी तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर स्पोर्ट्स अपने पीक में है, इंडिया में स्पोर्ट्स ग्रो हो चुका है। अब सवाल है क्या किलर ने सही टाइम पे सही फैसला लिया या गलत, अब ये तो अब किलर को ही पता है। क्योंकि यार किलर अभी बहुत ही फेमस प्लेयर है और अचानक सब छोड़ देंगे तो आई डोंट नो व्हाट ही इज प्लानिंग। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ जिससे आपको भी लगेगा कि किलर ने अच्छा डिसीजन लिया फ्री फायर छोड़ने का। अब आपको पता है कि किलर बस फ्री फायर में ही फेमस है, बाकी गेम्स वो प्रोफेशनली नहीं खेलता जैसे बहुत सारे गेमर्स करते हैं, जैसे एग्जांपल टेक्नो गेमर्स। अब आप एक गेम में अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, खासकर कि फ्री फायर जिसकी जनता गेम बंद करवाने के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? अब ऐसे कि कोई अपने पिताजी का 1 या 2 लाख छुप छुप के गेम में खर्च कर देता है, तो कोई गेम की वजह से सुसाइड कर लेता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। और इंडिया की सरकार को बस एक मौका चाहिए गेम को बंद करवाने का। तो ये सब मासूम भोले भाले बच्चे की वजह से मन में एक शंका आ जाती है कि गेम कभी भी बंद हो सकता है और कभी भी हम लोग का कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी पबजी जैसा गेम एक बार बैन हो चुका है, रीजन चाहे जो भी हो लेकिन हुआ है ना एक बार बैन। अब देखो किलर के ऊपर मैं दूसरे टाइप की वीडियोस भी बना सकता था, जैसे किलर की कोई बेस्ट 5 परफॉर्मेंसेस या बेस्ट क्लचेस, लेकिन मुझे लगा कि आपको असली सच्चाई के बारे में बताया जाए। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स में भी स्कोप है और स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं और आगे जाके आप यूट्यूब में भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लें। अब क्यों, इसका भी रीजन बताता हूं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर से उनका डेली रूटीन पूछोगे तो वो लोग रिप्लाई करेंगे कि वो लोग कम से कम 6 से 8 घंटा डेली ग्राइंड करते हैं और अगर कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है तो 10 से 12 घंटे आपके गेम में ही स्पेंड हो जाएंगे। मींस अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बनना चाहते हो तो आपको बहुत टाइम देना होगा और तब आप गेम के साथ साथ एजुकेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। और रही बात अगर आपको कोई कहता है या सजेशन देता है कि टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप 6 घंटे पढ़ोगे, 6 घंटे गेम खेलोगे या बाकी जो भी घंटा फलाना ढिकाना जो करना है, मैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये सब बस ऑन पेपर देखने में मजा आता है, रियल लाइफ में काम नहीं देती और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अब आप ही बोलो क्या आप टाइम देख देख के पढ़ोगे, फिर तो आपको पढ़ाई की जगह बस टाइम ही याद रहे। और आजकल तो आप लोग टूर्नामेंट देखते ही होगे कि कितना टॉप कंपटीशन हो गया है, सब प्लेयर्स एक दूसरे को वन टैप मारते हैं और एक से एक स्ट्रेटजी लगाते हैं, तो आपके दिमाग में वो भी चलता रहेगा कि नेक्स्ट मैच या कल क्या करना है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए या तो पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो या गेम खेल लो, मींस स्पोर्ट्स। नॉर्मल गेम तो कोई भी खेल सकता है 1-8 घंटा अपने माइंड फ्रेश करने के लिए। तो एट द एंड ये कंक्लूजन पहुंचा कि कोई कंक्लूजन नहीं, क्योंकि एक तो किलर अभी बहुत फेमस है और छोड़ के जा रहा है। अगर फेमस नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन इतना फेमस होने के बाद ये करना आई रियली डोंट हैव एनी आईडिया। पर आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपना एजुकेशन पहले कंप्लीट कर लो फिर स्पोर्ट्स के बारे में सोचना, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और वो गेम खेल रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और बाकी आपको क्या करना उसके लिए तो आप समझदार हो ही, मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।
We'll be right back.